गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह का भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया अध्याय, जिसके अंतर्गत उनके दो लेख प्रस्तुत किए गए हैं। पहले में हमने देखा कि हमारे यहाँ पर जाति प्रथा के आधार पर कार्य का श्रम का विभाजन किया गया है। दूसरा चल रहा था कि जब जाति प्रथा के आधार पर श्रम का विभाजन किया गया है तो फिर कैसे समाज की कल्पना हो, आदर्श समाज किसे कहा जा सकता है। तब यहाँ पर बी आर अम्बेडकर ने बताया था कि आदर्श समाज उसे कहा जा सकता है जिस समाज में स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व का भाव हो, यानी भाईचारे का भाव हो। अब लोकतंत्र क्या है? वास्तव में लोकतंत्र की परिभाषा हम लोग जब तक पढ़ते आ रहे हैं, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन। परंतु भीमराव अंबेडकर के द्वारा लोकतंत्र की परिभाषा बिल्कुल अलग रूप में प्रस्तुत की गई है। वो लोकतंत्र को केवल शासन की एक पद्धति नहीं मानते, बल्कि वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम लोकतंत्र है। क्योंकि जिस समाज में जीवनचर्या की एक पद्धति नहीं होती, या समाज के सम्मिलित अनुभव एक वर्ग से दूसरे वर्ग में, एक जाति से दूसरी जाति में आदान प्रदान नहीं होते, अर्थात उनमें गतिशीलता नहीं होती, श्रद्धा और सम्मान का भाव नहीं होता, तो उसे हम लोकतंत्र नहीं कह सकते। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि स्वतंत्रता क्या चीज़ है। आज हमें गमनागमन की स्वाधीनता प्राप्त है, जीवन की स्वाधीनता प्राप्त है, शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता प्राप्त है। इन अर्थों में कोई भी स्वतंत्रता का विरोध नहीं करता, यहाँ तक कि संपत्ति के अधिकार की बात पर भी कोई विरोध नहीं करता। जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, उस अर्थ में भी स्वतंत्रता पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। फिर एक बात बताओ, समाज के उस निम्न वर्ग को जो सक्षम है, रुचि रखता है, परंतु वो प्रभावशाली नहीं है, उसको उस पैतृक व्यवसाय को चुनने का बंधन क्यों कर रखा है, जिसके कारण उसकी योग्यता कुंद हो जाती है, वो अपनी रुचि के अनुसार, अपनी कुशलता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपने व्यवसाय का चयन नहीं कर पाता, फिर स्वतंत्रता का अर्थ उसके लिए क्या रह जाता है? क्योंकि जाति प्रथा के पोषक जो लोग होते हैं, वो जीवन की, शारीरिक सुरक्षा की, संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेते हैं, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता को वो लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ क्या हो जाता है? व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त हो जाना। तो ऐसे जाति प्रथा के पोषक तत्व कभी नहीं चाहेंगे कि उसे व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। जब वो ऐसा नहीं चाहते, तो इसे हम स्वतंत्रता कैसे कह सकते हैं? इसे हम क्या कहेंगे? दासता। दासता अर्थात गुलामी। गुलामी क्यों कहा? क्योंकि जैसे हम कानून होता है, कानून के बंधन में बंधकर, नियमों में बंधकर हम चलते हैं, तो हम कानूनी रूप से पराधीन कहलाते हैं। लेकिन दासता में वह स्थिति सम्मिलित हो जाती है जिसमें क्या होता है, कुछ व्यक्तियों ने कोई नियम बनाए और उनको द्वारा बनाए गए नियमों को, उनके द्वारा निर्धारित किए गए व्यवहारों को, उनके द्वारा निर्धारित किए गए कर्तव्यों को पालन करने के लिए दूसरों को विवश होना पड़ता है। तो ये भी क्या कहलाता है? दासता का ही रूप कहलाता है। यह स्थिति भले ही कानूनी पराधीनता न मानी जाती हो, परंतु वास्तव में उस दासता से कम भी नहीं होती, और इसी के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को, कुछ लोगों को, समाज के उस वर्ग को जो निम्न है, अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। अब तीसरी बात कही उन्होंने, समता। समता है ना, समानता का भाव। लेकिन समानता क्यों नहीं है समाज में? समानता पर कोई आपत्ति नहीं है। फ्रांसीसी क्रांति की भी बात यहाँ कही गई थी कि वहाँ पर समता की बात जब कही गई तो ये सबसे बड़ा विवाद का विषय रहा था। क्योंकि समता इसलिए नहीं मानते क्योंकि कुछ लोगों का, कुछ आलोचकों का मानना है कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, और उनका ये तर्क वजन भी रखता है, लेकिन ये तथ्य वास्तव में सही होते भी विशेष महत्व नहीं रखता।
क्योंकि शाब्दिक अर्थ में अगर हम समता को देखें तो असंभव होते हुए भी ये समाज के लिए एक नियामक सिद्धांत है, यानी आवश्यक सिद्धांत है, क्योंकि यहाँ पर समानता का भाव नहीं है, वहाँ पर विकास नहीं है। अब मनुष्य की क्षमता तीन बातों पर निर्भर रहती है, इनके आधार पर। वो तीन बातें कौन कौन सी हैं? एक तो शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार, और तीसरा है मनुष्य के अपने प्रयत्न। तो यहाँ पर देखिए, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार, अर्थात समाज की परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण की कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियाँ, जिनके कारण सभ्य समाज क्या कहलाता है, जंगी लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है और सम्मानित कहलाता है। और अंत में तीसरा होता है मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन तीनों दृष्टियों से मनुष्य निस्संदेह समान नहीं होता, क्योंकि आप देखो किसी में कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, किसी में शारीरिक बल ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी की बुद्धि ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। लेकिन ऐसी स्थिति को बदला तो जा सकता है, हम उसे मौका दें, हम उसे प्रयास करने के लिए प्रेरित करें, तो निश्चित रूप से उसकी कुशलता विकसित हो सकती है। पर तो समाज में जाति प्रथा के पोषक लोग ये चाहते ही नहीं कि उसकी कार्य कुशलता विकसित हो, उसको अवसर प्रदान किया जाए और वो बराबरी पर आए। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। समता के विरोध करने वालों के पास इसका आखिर क्या जवाब है? अब बात करते हैं आगे, व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण, मतलब समान रूप से प्रयत्न नहीं कर पा रहा, तो असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित भी नहीं कहा जा सकता। मान लो कोई कार्य अच्छा कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, तो उसके साथ कैसा होगा? बुरा व्यवहार होने लग जाता है, जिसको हम अनुचित भी नहीं कह सकते। साथ ही क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में उसके साथ बुरा व्यवहार करने की अपेक्षा हमें उस व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने के लिए पूरा प्रोत्साहन देना चाहिए, उसे अवसर देना चाहिए। परंतु यदि मनुष्य प्रथम दो बातों में असमान है, कौन कौन सी, एक तो शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार। परंतु यदि मनुष्य प्रथम दो बातों में असमान है, तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? नहीं, कदापि नहीं होना चाहिए। अरे किसने किसमें जन्म लिया, किसके पास कितना है, उसके आधार पर क्यों गलत व्यवहार किया जाए? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में इस कारण क्या होता है, अंडरलाइन कर लेना, उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में इसी कारण से वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें क्या मिला हुआ है, शुरू से उत्तम कुल मिला हुआ है, शिक्षा मिली हुई है, पारिवारिक प्रसिद्धि ख्याति मिली हुई है, पैतृक संपदा मिली हुई है और व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्न हो गया वो वर्ग, और पूर्ण सुविधा संपन्न वर्ग के साथ ही क्या होता है, उत्तम व्यवहार किया जाता है, उन्हीं को उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाता है। जबकि ऐसे व्यक्तियों को उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना समाज में वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये निर्णय किसके पक्ष में हो गया, केवल सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय हो गया। अतः न्याय का तकाजा यह कहता है कि जहाँ हम तीसरे यानी प्रयत्न, मनुष्य के अपने प्रयत्न, प्रयासों की असमानता, जो मनुष्य के अपने वश की बात है, क्योंकि हर मनुष्य की अपने खुद की कैपेसिटी की बात होती है कि वो चाहे तो अपनी क्षमता को विकसित कर ले, चाहे तो डाउन कर ले, तो तीसरे प्रयासों की असमानता, जो मनुष्य के अपने वश की बात के आधार पर मनुष्य के साथ असमान व्यवहार को अगर हम उचित ठहराते हैं, वहाँ प्रथम दो आधार जो मनुष्य के अपने बस की बात नहीं, क्यों, वो कहाँ पैदा हो गए, मनुष्य के बस की बात नहीं है, उसको बाप से क्या मिलेगा, पिताजी से क्या मिलेगा, पैतृक संपदा में क्या मिलेगा, सामाजिक वंश परंपरा में क्या मिलेगा, ये उसके वश की बात नहीं है। पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। मतलब तीसरे के आधार पर असमान व्यवहार उचित हो सकता है, परंतु पहले दो आधारों पर उचित नहीं है। तीसरे के आधार पर क्यों, क्योंकि उसकी योग्यता क्षमता प्रतिभा में कार्य कुशलता में कमी हो सकती है, तो वो बुरे व्यवहार का हकदार बन सकता है। परंतु ऐसे व्यक्ति को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस कारण का निराकरण करना है, हमें उसे अवसर देना है, हमें उसे प्रोत्साहन देना है। परंतु प्रथम दो जो उसके वश की बात नहीं है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उसके साथ व्यवहार गलत करते हैं, तो वो उसके हक की बात नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, उसके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में समाज की यदि अपने सदस्यों से समाज को यदि
अपने सदस्यों से अधिक उपयोगिता प्राप्त करनी है, अर्थात ज़्यादा लाभ प्राप्त करना है, तो यह संभव है कि जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर दिए जाएं, समान व्यवहार किया जाए। ये समान अवसर और समान व्यवहार जब उसे उपलब्ध करवाए जाएंगे तो उसकी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा, कार्यकुशलता, रुचि आदि सभी का विकास होगा। अब समानता का बात हम जब करते हैं तो समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है। देखो कैसे, अब एक राजनेता के माध्यम से उदाहरण दे रहा है ये कि एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास न तो इतना समय होता है, न प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी होती है कि जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। मतलब सबको अच्छा लगे ऐसा व्यवहार वो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि उसे सबका नाम तो पता नहीं है, सबके बारे में पता नहीं है, सबके लिए सबकी जानकारी उसके पास नहीं है। फिर तो वो सबके साथ समानता का व्यवहार करता है। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों ना हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों व श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। अतः मानव को क्या करना चाहिए, समाज को दो श्रेणियों में या दो वर्गों में नहीं बांटना चाहिए, अर्थात कहने का मतलब है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में नहीं बांटना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखो वैसे भी आवश्यकताओं क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों ना हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज को दो वर्गों व श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। मानवता के दृष्टिकोण की बात है यहाँ पर। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में अंडरलाइन करना, ये क्वेश्चन का आंसर है। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहारिक सिद्धांत की आवश्यकता रहती है, और वो व्यवहारिक सिद्धांत क्या है? वो व्यवहारिक सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिज्ञ ये व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए करता है कि वर्गीकरण और श्रेणीकरण संभव नहीं होता, क्योंकि वो उसका क्लासिफिकेशन नहीं कर सकता, वो उसकी श्रेणी को डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि उसे उसकी जानकारी नहीं है। तो इसलिए वो क्या करता है, सबको एक मानकर सबके साथ समान व्यवहार करता है, और यही राजनीतिज्ञ का व्यवहारिक सिद्धांत होता है कि सबको साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चले, सबके साथ समान व्यवहार करे। इस प्रकार समता जिसकी हम बात कर रहे हैं, यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है। काल्पनिक जगत की वस्तु क्यों माना, क्योंकि हम चाहे कितने भी प्रयास कर लें ये चीज़ हमारे समाज में देखने को नहीं मिल पाएगी या नहीं मिल सकती, इसलिए इसे कल्पना जगत की वस्तु माना है। फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी, क्योंकि अगर इस मार्ग को नहीं अपनाता हो, अगर सबके साथ समान व्यवहार नहीं करता, अगर वो श्रेणी में विभाजन कर देता है, अगर वो उनका वर्गीकरण कर देता है, तो एक बार बताओ उसको सफलता प्राप्त तो नहीं हो सकती। इसलिए उसे क्या करना पड़ता है, सबके साथ समान व्यवहार करना पड़ता है। उस समय वो उन तीनों कारणों को ध्यान नहीं रखता कि मनुष्य के अपने प्रयत्न, वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार, उसे क्या पता किसके पास क्या है, उसे किसकी जानकारी है। इसलिए वो क्या करता है, उस व्यवहारिक सिद्धांत का पालन करके अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। और कोई भी समाज जब तक इस व्यवहारिक सिद्धांत का पालन नहीं करेगा, तब तक विकास की ओर अग्रसर नहीं हो पाएगा। तब तक जातिवाद का बंधन, तब तक जातिपाति का बंधन, तब तक वर्गवाद का बंधन हमारे समाज से समाप्त नहीं हो पाएगा। अतः भीमराव अंबेडकर ने जिस कल्पना के आदर्श समाज की बात कही, उसमें स्वतंत्रता, समानता यानी समता और भ्रातृत्व के गुणों का होना आवश्यक है। धन्यवाद।